अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर फोर का फर्स्ट टॉपिक जो है लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और हेड टू टेल रूल, ये दो टॉपिक जो हैं आज हमने डिस्कस करने। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हम फोर्स को रिव्यू करते हैं। चैप्टर थ्री में हम पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में, लेकिन एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं कि फोर्स सिंपली फोर्स क्या होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो फोर्स किसी भी पुश और पुल को हम फोर्स कह सकते हैं। अ फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल। डायग्राम में देखें कि इसमें एक साहिब जो है वो फर्स्ट लेफ्ट साइड पर देखें कि एक साहिब जो है वो एक वाल को जो है पुश कर रहा है, ठीक है, तो मींस ये उस पर फोर्स लगा रहा है। फिर दूसरी तरफ राइट साइड पर हमें दिखाया हुआ है कि वही जो साहिब हैं अब वो उसको पुल कर रहे हैं। तो देखें, दोनों सूरतों में फोर्स एग्जर्ट की जा रही है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। आप देखें, अब नॉर्मल लाइफ में हम जब भी चीज़ों को पुश या पुल करते हैं तो हम उन पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये तो सिंपल वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं फ़ोर्स की, लेकिन फिज़िक्स में फ़ोर्स की क्या डेफिनेशन है वो हम अब देखते हैं। फिज़िक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, फिज़िक्स में फ़ोर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि फ़ोर्स जो है चीज़ों ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और ये ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, इट कैन चेंज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और ये लास्ट पे के चीज़ों को मोशन में लाती है, लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और ये आल्सो इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये चीज़ों की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो ये होगी फोर्स की हमने बात की। अब हम आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी पैरेलल फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे देखें, डायग्राम में हमें लाइक पैरेलल फोर्सेस दिखाई हुई हैं। अब इन फोर्सेस को आप देखें कि ये जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ये फोर्सेस जो हम नज़र आ रही हैं आपको, देखें इनकी जो एरोज से इनकी डायरेक्शन को शो किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इन सब की डायरेक्शन जो है वो सेम है, और ये चूँकि इक्विडिस्टेंस हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। इस दूसरे डायग्राम में कुछ एप्पल्स दिखाए गए हैं जो जिनको एक बैग में रखा हुआ है। तो देखें, हर एप्पल बैग में मौजूद हर एप्पल का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सेम लाइन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है हर एप्पल के वेट की। तो इस वजह से हम इन जो वेट होगा इनका, ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी इसको हम क्या बोलेंगे, हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। कोई भी ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो और वो पैरेलल हो, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो देखें बच्चों, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों मगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। डायग्राम में एक एप्पल दिखाया हुआ है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि एप्पल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब देखें कि ये दो फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।
दूसरे डायग्राम में देखें, ये जो फोर्सेस हमें दिखाई हुई हैं इनमें देखें एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो अब ये इन इस तरफ भी देखें आपकी जो फोर्सेस हैं चारों फोर्सेस वो पैरेलल हैं, लेकिन चूंकि इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये फोर्सेस जो हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस मींस फोर्सेस का जो ऐड करना, तो फोर्सेस को ऐड करने से जो हमें फोर्स मिलती है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन आइए हम देखते हैं। अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। एक जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक ऐसी सिंगल फोर्स होती है जो उसी असर की हामिल होती है जो कि उनका कंबाइंड जो इफ़ेक्ट था जिन फोर्सेस को ऐड किया गया था उन दोनों के बराबर होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी बॉडी पे तीन फोर्सेस लगा रहे हैं तो उन तीनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट हो रहा होगा बॉडी पे वही इफ़ेक्ट जो है वही सेम इफ़ेक्ट उस एक सिंगल फोर्स का होगा जो उन तीनों का रिजल्टेंट है। डायग्राम में देखें F1, F2, F3 ये जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3 ये एक ब्लॉक पर एक्ट कर रही हैं। तो देखें इन तीनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट होगा जब हमने इनको ऐड कर लिया तो एक हमें एक F4 जो है वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई। तो अब सेम इफ़ेक्ट होगा जो इन F1, F2, F3 का इंडिविजुअल इफ़ेक्ट था वही F4 का कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, इन तीनों फोर्सेस का F1, F2, F3 के कंबाइंड इफ़ेक्ट के बराबर होगा F4 का इफ़ेक्ट भी, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फोर्सेस को ऐड करने से हासिल होती है। तो ये थी रिजल्टेंट फोर्स जो कि फोर्सेस को ऐड करने से हासिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो है स्टूडेंट्स ये वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें हेड टू टेल रूल की, तो ये ग्राफिकल मेथड होता है जिसको हम दो या दो से ज़ायद वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अ ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। एक ऐसा ग्राफिकल मेथड जो दो या दो से ज़ायद फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल में आप किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर ड्रा करें। ये हमने एक वेक्टर ड्रा किया यू, जिसमें ये जो है टेल है और जो एरो हेड वाला डायरेक्शन में आपके पास क्या है हेड है वेक्टर का। तो अब आपने क्या करना है, एक फर्स्ट वेक्टर ड्रा करें जिस तरह हमने यहाँ पे यू ड्रा कर लिया है। अब फर्स्ट वेक्टर ड्रा करने के बाद आपने एक सेकंड वेक्टर ड्रा करना है, और सेकंड वेक्टर इस तरह ड्रा करना है कि जो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड को कंसाइड करे। तो देखें हमने वेक्टर वी ड्रा किया यहाँ पर कि वेक्टर वी की जो टेल है वो वेक्टर ए के, ठीक है, जो वेक्टर वी है यहाँ पे वो सेकंड वेक्टर है, उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड को कंसाइड कर रही है। अब देखें उसके बाद रिजल्टेंट हमने वेक्टर ड्रा किया। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करना होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को आपने लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देना है, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। स्टूडेंट्स इसमें हेड टू टेल रूल के मेथड से एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो अगर हम दो से ज़ायद वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप वेक्टर एक पे जो है फर्स्ट वेक्टर ड्रा करें, ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड वेक्टर इस तरह ड्रा करना है कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड को कंसाइड करे।
जैसा कि इस डायग्राम में देखें कि जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड को कंसाइड कर रही है। तो अगर आप एक तीसरा वेक्टर भी ऐड करना चाहते हैं साथ, तो उसको इस तरह ड्रा करें कि अब थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड को कंसाइड करे। इसी तरह अगर आपने फोर्थ वेक्टर को ऐड करना है साथ में, तो फोर्थ वेक्टर इस तरह ड्रा करें कि फोर्थ वेक्टर की टेल थर्ड वेक्टर के हेड को कंसाइड करे। इस तरह कितने भी आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, इन वेक्टर्स को ड्रा करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह ड्रा करना है? रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह ड्रा करना है आपने कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देना है। तो वो जो हमारे पास वेक्टर हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो उन तमाम वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। तो ये था बच्चों हेड टू टेल रूल, और ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के, और आप एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल से। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।